आने वाले 5 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया गया है वो ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और 6वें और 7वें दिन में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है साउथ गुजरात रीजन में। और जहाँ पे लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पे होंगी वो ज़िले हैं छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी और डांग। और हीट वेव की बात करेंगे तो हीट वेव का जो वार्निंग दी गई है वो दीव और भावनगर के लिए आज और कल के लिए दिया गया है। और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन आने वाले 5 दिनों के लिए कोस्टल एरिया में सौराष्ट्र और गुजरात दोनों कोस्टल एरिया में बनी रहेगी आने वाले 5 दिनों के लिए। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले 5 दिनों में नो लार्ज चेंज में रहेगा। और अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था वो 41.2 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर का 40.6 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। और फोरकास्ट की बात करेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर के अहमदाबाद और गांधीनगर के आज के लिए तो दोनों जगह के लिए 42 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट दिया गया है। और ओवरऑल गुजरात रीजन की बात करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो है सुरेंद्रनगर और मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ है 41.3 डिग्री सेल्सियस। और विंड की डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो लैंड रीजन पे विंड प्रिवेल करेगी वो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड प्रिवेल करेगी पूरे गुजरात स्टेट के लैंड रीजन पर।